नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंडियन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ तनु। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों का अमला मौजूद। कटनी जिले में भी अवैध शराब सट्टा जुए में लिप्त अपराधियों पर निरंतर शासन प्रशासन पुलिस बल कार्रवाई कर रही है। आज तड़के सुबह 10 बजे कटनी सराय स्थित कुछ बंदिया मोहल्ला में लगभग 30 वर्षों से जो लोग निवासरत थे उनके झोपड़पट्टी पर प्रशासन द्वारा चलाया गया बुलडोजर, जो कि अवैध अतिक्रमण किए हुए थे और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग निवासरत थे। रात को वहां से निकलना भी अपने आप को जोखिम में डालने के बराबर था। ऐसी जगह पर पुलिस बल द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते वक्त उपस्थित रहे SDM बलबीर रमन, कटनी तहसीलदार मनोवर खान, CSP शशिकांत शुक्ला, कटनी TIT विजय विश्वकर्मा और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जी सर, आज क्या कार्रवाई है? आज सुबह से सराय मोहल्ले में 28 मकानों को, जो अपराध की दुनिया में से जुड़े थे, गरज चरस गाजा स्मैक का कारोबार करते थे और टोटल अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आगे भी कार्रवाई प्रतिदिन ये चालू रहे। सर, यहाँ के लोग बता रहे हैं किसी के पट्टे बने हुए थे, पट्टे वाले किसी के कोई पट्टे नहीं थे, सभी सरकारी जमीन पे थे, अवैध रूप से रह रहे थे और अवैध कारोबार भी करते थे। सर, कितने साल से काबिज थे यहाँ पर? ये लगभग 200 साल से काबिज थे और उनको अभी हटाया गया। इसमें से कोई निगरानी सुधा हिस्ट्री फीटर बदमाश अराका ग्रुप के लोग थे और वो भी था खुद और उनके साथी भी काम करते थे और लूटपाट भी काम भी करते थे। आज सुबह से ही सराय मोहल्ले में आपराधिक किस्म के, आपराधिक पृष्ठभूम के राका जैसे कई अपराधी यहाँ रहते थे और अपराध करके यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा के मकान गिराए। कितने हिस्ट्री सीटर हैं सर जगह पे? कई हिस्ट्री सीटर हैं, काफ़ी मामले हैं इनके खिलाफ और सबके खिलाफ कार्रवाई की। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।